Hi guys, this is Keshav Balpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this particular session, I'm going to be telling you three major mistakes that most of the CLAT aspirants make and that lead to their downfall in CLAT. Ya fir wo itna acha nahi kar pate as they would generally expect to do. You may be the smartest girl or the smartest boy in your class, but sometimes in this kind of preparation, which is a national level exam, there are certain things that are to be kept right. And you have to understand the requirement of the exam before that. I mean, CLAT is not like an IIT or a NEET exam. CLAT is not like a CA exam, nor is it a UPSC exam. It's a very different genre, it's a very different kind of exam. तो उसका अप्रोच क्या रहता है, उस अप्रोच में हम क्या क्या गलती करते हैं, आई विल ट्राई इन दिस पर्टिकुलर सेशन एंड एक्सप्लेन दीज मिस्टेक्स टू यू. आप इनमें से जितनी भी मिस्टेक कर रहे हो, एक दो या तीन, आप कॉमेंट में भी लिख सकते हो और पूरी कोशिश कर सकते हो अगले एक दो महीने में इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने की. मैं आपको ये 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इन तीनों मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाओगे ना, ये आपके लिए आपके क्लैट में सक्सेस का एक पाथ बन जाएंगे, राइट? दीज पर्टिकुलर मिस्टेक्स इफ अवॉइडेड. नाउ द फर्स्ट मेजर मिस्टेक दैट वी मेक, एंड आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ यू अग्री विद मी हियर, इज प्रोक्रास्टिनेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बीइंग ऑलवेज इन आवर कंफर्ट जोन. कि मेरे को आज बोला गया है या फिर मैंने डिसाइड किया है कि आई हैव टू डू दिस एंड दैट, बट आई विल नॉट डू इट, आई विल प्रॉब्ली डू इट द नेक्स्ट डे और आई विल जस्ट नॉट डू इट. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, दैट वी मेक अ शेड्यूल फॉर आवरसेल्व्स, और इवन इफ वी डू नॉट मेक अ शेड्यूल, वी हैव दैट शेड्यूल इन आवर माइंड कि मुझे आज इतनी क्लासेस करनी है, आई मे हैव टू सॉल्व अ मॉक टेस्ट मे बी वंस और ट्वाइस अ वीक, आई मे हैव टू यू नो सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस, कुछ मेरे को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये सब चीजें मुझे करनी है. अब इसका मेरे पास एक सेट शेड्यूल नहीं है, आई डो नॉट हैव अ टू डू लिस्ट फॉर द डे. ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं दिन का सुबह शेड्यूल ही नहीं बनाता हूँ. तो अगर मैं दिन में दो चीजें भी कर रहा हूँ तो मैं रात में बहुत ज्यादा, एक तरह से कह सकते हो कि गिल्ट में सो रहा हूँ रोज. जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है ये, जब हम लोग व्हेन वी आर ऑन द बेड रात को जब हम सोने जा रहे हैं तो बहुत गिल्ट सी फील होती है कि यार पूरा दिन खराब कर दिया. फिर हम रात को सोच के सोते हैं कि कल जल्दी उठते हैं और कल करते हैं, बट वो कल नहीं आ पाता है. वाई? बिकॉज हम लोग अंदर से खुद को स्ट्रांग ही नहीं बना रहे, हम लोग प्रेपरेशन को इतनी स्ट्रांग प्रायोरिटी ही नहीं दे रहे. क्योंकि क्या होता है, प्रेपरेशन अभी थोड़ी बाकी है, अभी काफी सारा टाइम बाकी है, तो हमें लग रहा है कि कर लेंगे यार, आगे टाइम है तो सही. ये प्रोक्रेस्टिनेटिंग एटीट्यूड, सोशल मीडिया एडिक्शन, है ना, बीइंग एडिक्टेड टू यू कुड से रैंडम स्टफ, कि वी जस्ट स्पीकिंग टू समबडी, रात को दो घंटे बस चैट कर रहे हैं रैंडमली, रैंडम ग्रुप्स का पार्ट बने हुए हैं जहां पर हम लोग क्लैट की रैंडम बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ असम्पशंस कर रहे हैं. नाउ सी दैट, व्हाट दैट डज इज, एक तो वो आपका टाइम वेस्ट करता है, सेकेंडली कई बार मैंने ये भी देखा है फॉर स्टूडेंट्स ओवर ऑन द राइट पाथ ऑफ प्रेपरेशन, वो अपनी प्रेपरेशन से थोड़ा सा हट जाते हैं बिकॉज वो किसी की ऐसी बात सुन लेते हैं जो उनको लगता है कि यार ये मेरे कंफर्ट जोन में है. कोई कहता है कि यार मैथ्स तो 10-12 नंबर की आती है, तो इतना फोकस करने की क्या जरूरत है. अब हमको लगता है बात तो सही है, बाकी सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कोई बाकी सब्जेक्ट का फिक्स कोर्स थोड़ी है, हमको सब कुछ करना पड़ेगा. तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, रैंडम लोगों की बातें सुनना है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाना है, इन चीजों को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा. बिकॉज जो इस पर्टिकुलर जनरेशन में, जो हमारे एक सोशल मीडिया डिजिटल जनरेशन है, जो इन चीजों से थोड़ा सा पार आ जाता है ना, वो बहुत अच्छा कर लेता है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, बिकॉज उस इंसान के पास कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम होता है ड्यूरिंग द डे. वी डोंट वेस्ट 2-3 आवर्स ऑन सोशल मीडिया, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ टू प्रिपेयर फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी समटाइम्स आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम, दिस इज नॉट लाइक अ 12th और 11th स्टैंडर्ड एग्जाम की मेरे को मैम ने कुछ पढ़ाया था, सर ने कुछ पढ़ाया था, वही जाके मुझे एग्जाम में लिख देना है. नो, दिस इज एन एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम. जितना मैं ज्यादा उसके लिए प्रिपेयर करूंगा, जितना ज्यादा मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा, जितने मैं सेक्शनल टेस्ट मॉक टेस्ट लगाऊंगा, उतने ज्यादा चांसेस है मेरे सक्सेस होने के. हम लोग कई बार ये गलती करते हैं कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और हम 2-4 महीने तक इसलिए रुके रहते हैं कि यार पहले थोड़ा कोर्स तो खत्म हो जाए, उसी के बाद तो मॉक टेस्ट देंगे. ये बहुत गलत तरीका है. विद इन 15 डेज ऑफ स्टार्टिंग अ प्रिपरेशन, ये पैरेलल चलेगा. योर प्रिपरेशन एज वेल एज योर मॉक टेस्ट विल रन पैरेलली. आपका कम स्कोर आएगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप समझोगे कि मेरे को कहाँ प्रेपरेशन को इम्प्रूव करना है, कैसे मेरे को मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाना है, हाउ डू आई इंक्रीज माय अटेम्प्ट्स, राइट? अगर हम मॉक टेस्ट नहीं करेंगे तो ना हमारा कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होगा, ना टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा, ना हमारा स्कोर इम्प्रूव होगा, हमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. वो फेक कॉन्फिडेंस आ जाता है कभी कभी, कह रहे हमने सब कर लिया, बट हमने मॉक टेस्ट करके देखा क्या एक बार भी? तो मॉक टेस्ट बहुत रेगुलरली करो, हफ्ते में एक, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है. फिर समबडी हू हैज ड्रॉप्ड अ ईयर फॉर क्लैट, ट्राई टू डू 2 every week. अब आप लोगों के लिए अभी एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं जो आपको 20 मॉक टेस्ट घर पर डिलीवर करेगा, और वहां पे आप बिल्कुल ओएमआर शीट्स आंसर की सब आपको एक प्रॉपरली दी जाएगी, और आप ओएमआर की इस पर कर सकते हो ताकि आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज भी हो पाए. क्योंकि जनरली क्या होता है, ओएमआर शीट्स भरने में ही लोगों को
3 से 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, तो हमको कई बार समझ नहीं आता कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो ये बहुत हाई क्वालिटी मॉक्स हैं, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हैं, ठीक है। आप इसको लिंक देख सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स, दे विल सफिशिएंटली गाइड यू एज टू हाउ टू गो अबाउट इट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज मॉक टेस्ट और किस तरह से हमें लेने चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ अस हैव व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इज ओनली अंडरस्टैंडिंग और यू कुड से हैविंग दैट वेरी स्कूल सेंट्रिक अप्रोच, कि मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्लास कर लेंगे एंड दैट्स गुड इनफ। बिकॉज स्कूल में हमने आज तक जनरली यही किया है ना कि हम स्कूल से घर आते हैं, थोड़ा बहुत होमवर्क करते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन जाते हैं और वहां पे थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने सेल्फ प्रेपरेशन, सेल्फ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट ये चीज कभी नहीं की। न्यूज़पेपर फॉर एग्जाम्पल आर सर्टन न्यू थिंग्स। तो द थर्ड प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम लोग ना वो स्कूल मोड में रहते हैं एंड वी आर वेरी यू कुड से एडमेंट कि हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, हमने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे। न्यूज़पेपर की जिस इंसान को आदत लग जाती है ना, मैं आपको बता सकता हूँ इट्स नॉट जस्ट फॉर क्लैट, इतनी ज्यादा अच्छी आदत है कि आपको हर कॉन्वर्सेशन का आप पार्ट बन सकते हो। और क्लैट में न्यूज़पेपर एक तरह से कह सकते हो रामबाण इलाज है क्लैट का, कि आप क्लैट के लिए अगर पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर मस्ट है, आपका करंट अफेयर्स काफी अच्छा कर देगा, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी कर देगा, आपकी वोकैबुलरी के इतने सारे वर्ड्स आ जाएंगे आपको, आपका कॉम्प्रिहेंशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वैसा ही न्यूज़पेपर आता है। इट्स जस्ट दैट इट्स स्लाइटली आउटसाइड आवर कंफर्ट जोन। व्हेन यू स्टार्ट इट 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, ऐसा लगता है अरे बाप रे 2 से 2.5 घंटे, इतना तो आज तक कभी दिए ही नहीं किसी एक चीज को, रोज भी वो भी रोज देना है, इसमें कोई संडे भी नहीं होता, संडे को पेपर आता है, राइट। ये चीजें करनी बहुत जरूरी है, थिंग्स दैट आर आउटसाइड आवर कंफर्ट जोन, राइट। एक मतलब बहुत एक अच्छी सेइंग है, मुझे नाम नहीं पता किसकी है, और ये मतलब बहुत अच्छी बात है एक जो कही जाती है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड दैट समथिंग इज समथिंग जो आपको लगता है कि इट्स क्वाइट ईजी टू डू, यू आर प्रॉब्ली डूइंग समथिंग रॉन्ग। If you're doing something, you're feeling that भी मैं comfortably कर पाऊंगा पूरे दिन में, you're probably doing something wrong. You need to make a schedule that challenges you. ऐसा schedule नहीं बनाना कि दिन के 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, but वो 5 घंटे qualitatively वो आपको चैलेंज करना चाहिए कि मेरे को इस समय अपने फोन को हाथ नहीं लगाना है, अपने दोस्तों से बात नहीं करनी है, मैं कोई भी प्लान नहीं बनाऊंगा या बनाऊंगी इस पर्टिकुलर टाइम पे when I have my classes, when I want to prepare for this. तो इन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए we recently launched a batch for you as well, which is called Vijay Bhava Plus and Vijay Bhava, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करा जाएगा। यू कैन ऑल्सो गेट अ 12% ऑफ ऑन दिस बैच यूजिंग द कोड मालपानी। आप अपनी प्रिपरेशन को राइट अवे स्टार्ट करो, दिस इज वेरी अफोर्डेबल ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी विद द बेस्ट एजुकेटर्स इन द क्लैट इंडस्ट्री। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा 60 मॉक टेस्ट आपके घर पे मिल जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ एवरी क्लैट प्लस बैच। उसके अलावा आपको 110 मॉक टेस्ट टोटल मिलेंगे इस बैच में, 60 यहाँ पर, 50 ऑनलाइन एज वेल, इनफैक्ट 120 के आसपास आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। जो आपका विजय भव बैच है विच इज नॉट द प्लस बैच, उसमें भी आपको 60 मॉक टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन ऑन आर पोर्टल, बट उसके आपको PDFs प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, राइट। और क्लासेस के में कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, द बेस्ट काइंड ऑफ क्लासेस, अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजी सेशंस एज वेल, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी सेशंस जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू गो अबाउट अ प्रिपरेशन। वी डू अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजी मोटिवेशन, वी डू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग विद एडिटोरियल सेशन, जहां पर एडिटोरियल से, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व देम, ब्रेनस्टॉर्म ऑन इट, ठीक है। स्पून फीडिंग नहीं करेंगे हर चीज की, सोचो थोड़ा, अपने आप दिमाग लगाना पड़ता है उन चीजों में, तो उन चीजों से क्या होता है मेरा दिमाग खुलता है, एप्टीट्यूड डेवलप होता है। तो ये बहुत जरूरी है, बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लैट रेवोल्यूशन, यू आर डेफिनेटली गोना लव दिस एंटायर प्रिपरेशन, एंड वी आर गोना बी मेकिंग श्योर कि आपकी प्रिपरेशन एकदम स्ट्रीमलाइन रहे एंड यू आर डेस्टिन फॉर अ टॉप NLU दैट यू आर ऑब्वियसली ड्रीमिंग ऑफ। इन बैचेस के लिए कॉन्टैक्ट करने के लिए आप नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड दे विल सफिशिएंटली गाइड यू, विल ऑल्सो फाइंड द लिंक फॉर द सेम इन द डिस्क्रिप्शन। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन क्लास, ऑल द बेस्ट गाइज, कीप स्माइलिंग एंड कीप वर्किंग रियली हार्ड।